झज्जर जिले के गांव लोहारी में स्थित वेयरहाउस में करीब 10 महीने से काम करने वाले वर्करों को बगैर किसी नोटिस के हटा देने पर वर्करों में रोष की लहर है। सभी वर्कर लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अधिकारियों द्वारा वर्करों से बातचीत करने के दौरान नौकरी से हटाए जाने की वजह पूछी गई और इस दौरान उन्होंने कंपनी से निकाले गए युवाओं को आश्वासन दिया कि अधिकारियों से बात करके उन्हें दोबारा कंपनी में नौकरी पर रखने की कोशिश की। अभी मेरे को 31 तारीख को इन्होंने रोका कि छुट्टी होने के टाइम पे कि 3 घंटे हमारी मदद करनी होगी। हम 3-4 घंटे वैसे बिना ओटी के हमने काम किया वहाँ पे। अब सुबह गए तो हमारे को बोलते तुम्हारी नो एंट्री है। तो हमने पूछा क्या रीज़न है, कोई रीज़न भी नहीं बताया, नहीं बाहर आके कोई ने बात करी ना और कुछ, बोल दिया नो एंट्री, बस बाहर रहो। गार्ड ने हमारे अंदर नहीं जाने दिया। गार्ड ने रोक के आपको? हाँ जी गार्ड ने। 28 तारीख तक नो एंट्री लगा रखी ने बाढ़ को, 10-10 बाढ़ को 28 तारीख तक नो एंट्री लगा दी। कितने बच्चे टोटल? हम 50-60 बच्चे, एक डिपार्टमेंट है BWH ग्रुप, एक है CWH, महिंद्रा में 2 है डिपार्टमेंट। तो CWH में बंदे निकाले हैं, सीट BWH में भी निकाले हैं। सभी का खाके रहने वाले हैं ये, जितने भी आस पास के गांव के हैं जी, लोहारी पाटो तक ये भाई तो हिसार से है, भिवानी से है, ये राउसों ने ये कर रखा है। हमको ना कोई रीजन नहीं था हमारा, फिर भी हमें यहाँ से निकाल दिया गया है। अच्छा, सुबह पहुंचे ड्यूटी के टाइम पे, ड्यूटी के टाइम पहुंचने के बाद बोल रहे हैं आपके एंट्री नहीं, किसे मिलना दिया था। भाई पहले को नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया सर, ये राजस्थान का है जी। तुरंत ही उन्होंने ये बोल दिया। क्या नाम आपका? मनोज नाम है सर मेरा।